बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर मैथ्स की न्यू बुक की, और टॉपिक जो है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। सही, जो टॉपिक आज का है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। 7.1 एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज पूरी से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आएगा। ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट की बात करें तो ये शुरू के जो 8 क्वेश्चन है इसमें से कोई एक सवाल लाजमी आने का चांस है। सेकेंडली, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के प्रॉपर स्टेप्स हैं। अगर मैं बात करूँ तो टोटल स्टेप्स की बात करूँ तो स्टेप्स इसमें टोटल 4 हैं, 1-4 स्टेप्स हैं जो आपको प्रॉपर फॉलो करने हैं अगर आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। तो अगर आप प्रॉपर सारे स्टेप नहीं करोगे आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 मार्क्स काउंटिंग में है, और अगर स्टेप नंबर 3-4 सही करोगे तब आपका आंसर फाइनल आएगा। सही, वरना आपका इस सवाल में आंसर नहीं आ सकता। स्टेप 1-2 में गलती कर जाओगे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन स्टेप 3-4 में गलती करोगे तो आंसर नहीं आएगा। सही है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1+3+5+... तक सीरीज दी हुई है। आगे दिया हुआ है 2n-1=n2। ये क्वेश्चन इस तरह के हैं जिसमें हमें आंसर स्टार्ट में ही पता होगा। आपने क्वेश्चन लिखने के साथ साइड में एक हेडिंग डाल देनी है रफ वर्क की। रफ वर्क में आपने जो भी वैल्यू इक्वल्स टू के बाद देखी सवाल में आपने वो लिख देनी है। आपने करना यह है कि जहां आपको ऊपर n नजर आ रहा है वहां पर आपने रफ वर्क में k+1 रख देना है n की जगह। तो अब अगर आप k+1 रख के सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा, ऊपर k+1 पुट करना है तो ये हो जाएगा k+1 square। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन में जो वैल्यू इक्वल्स टू के बाद थी वो ली, वहां पर आपने किया पुट n=k+1, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो n की जगह k+1 का स्क्वायर आ गया। हर क्वेश्चन में आपने यही चीज करनी है कि जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर इक्वल्स टू के बाद जहां आपके पास n आ रहा है, जो आपका आंसर आएगा फाइनल, जो आपका फाइनल आंसर होगा उसमें आपके पास n की जगह k+1 शो होना जरूरी है। अगर n की जगह k+1 नहीं शो हो रहा, इसका मतलब आपने सवाल सॉल्व सही नहीं किया। तो प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से जो आंसर आएगा वो होगा। ये आंसर हमें आना है k+1 होल स्क्वायर फाइनल स्टेप 4 में। सही, किस तरह आएगा? सबसे पहले बेसिक स्टेप जो है हमारे पास, सबसे पहले हमने करना होता है पुट n=1। आपने क्वेश्चन में इक्वल्स टू से पहले और इक्वल्स टू के बाद की वैल्यू लेनी है 2n-1 और n2। यहां पर आपने n की जगह 1 रख के सॉल्व करना है। n की जगह 1 रखेंगे और सिंपलीफाइड करेंगे। 2 1s are 2 -1 2 -1 1, एक साइड का आंसर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1। दोनों साइड का आंसर सेम आना जरूरी है। जब दोनों आंसर सेम आ जाएंगे तो आप यहां लिखोगे हेयर इट इज True for n=1। तो ये पहली चीज आपकी, ये स्टेप 1 था जिसमें आपने n की जगह 1 पुट करना होता है। स्टेप 2 में आपने क्या करना होता है, पुट n=k। पहले स्टेप में आपने 1 पुट करना है, सेकंड स्टेप में आपने k पुट करना है। k कहाँ पुट करना है, आपने ये पूरा क्वेश्चन लेना है और यहाँ पूरे क्वेश्चन में n की जगह k रख देना है। तो ये हो जाएगा 1+3+5+ फिर 2k-1=k2। ये आपने करना है। तो पहला स्टेप 1 पुट करके सॉल्व करना है, दोनों तरफ सेम आ जाएगा। सेकंड स्टेप में आपने n की जगह k रखना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अब उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। अब जो तीसरा स्टेप है यहां से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गड़बड़ अक्सर बच्चों से यहीं पर होती है। स्टेप 3 में आपने सबसे पहली चीज ये करनी है, जो वैल्यू आपको यहां पर इक्वल्स टू से पहले नजर आ रही है, सही है, वो आपने लेनी है। तो इक्वल्स टू से पहले आपको क्या नजर आ रहा है, 2n-1, ये लेना है। और यहां पर इसको लिखना है tn से। आपने जो भी वैल्यू इक्वल्स टू से पहले देखी वो ली और उसको tn से लिखा। सही है, नेक्स्ट स्टेप। अब यहां पर आप रखोगे पुट
n इज इक्वल टू के प्लस वन। अब यहाँ पर आप n इज इक्वल टू के प्लस वन रख के सिंप्लीफाइड करोगे, तो t के प्लस वन टू ब्रैकेट के प्लस वन माइनस वन, सही, ये सिंप्लीफाइड हो सकता है तो सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, 2k, ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, ये आ जाएगा प्लस 1। ये आपने तीसरा स्टेप भी सॉल्व कर लिया। हर सवाल में यही स्टेप कॉमन रहेगा, पहले 1 पुट करोगे, k पुट करोगे, देन n की जगह k प्लस 1 पुट करोगे। ये आपने तीन स्टेप कर लिए। चौथा और फाइनल मेन स्टेप जिसमें आपने कुछ गड़बड़ नहीं करनी, वो आपका फाइनल स्टेप होगा। फाइनल स्टेप में आपने कोई वैल्यू पुट नहीं करनी होती, आपने क्या करना होता है, ये वाली वैल्यू लेनी होती है, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन वन। तो आपने यहाँ पे लेनी है इक्वेशन वन, मतलब कुछ इक्वेशन जो नाम दोगे, इक्वेशन ए 1 + 3 + 5 + 2k - 1 = k² अब आपने करना ये है यहाँ पर कि ये जो इक्वल्स टू से पहले और लास्ट में, यहाँ पर आपने करना है ऐड, क्या करना है, इस टी के प्लस वन को ऐड, टी के प्लस वन ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ टी के प्लस वन को ऐड करना है। यहाँ से स्टार लिखो, किस तरह लिखूंगा मैं, 1 + 3 + इस सवाल को सॉल्व करने से ज्यादा इसके स्टेप को पहले ध्यान रखना है कि किस स्टेप से इसको फॉलो करना है। देखो इक्वल्स टू से पहले और इक्वल्स टू के बाद दोनों जगह आपने ये वैल्यू ऐड करनी है टी के प्लस वन की। टी के प्लस वन की वैल्यू क्या है, मैं ग्रीन से लिखता हूँ, आपको याद रहेगा, 2k + 1 है, यहाँ पर भी 2k + 1। तो आपने किया ये कि आपने पूरी इक्वेशन ए वापस कॉपी की जो सेकंड स्टेप की थी, यहां पर आपने इक्वल्स टू से पहले और इक्वल्स टू के बाद जो वैल्यू टी के प्लस वन की ली, वो आपने ऐड करनी है। हर क्वेश्चन में यही स्टेप को फॉलो करना है हमें। कैसे क्लियर है आप लोगों को, सही है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो ये बात को मेरे अच्छे से याद करना, वीडियो को रिवाइंड कर लो तो अच्छे से समझ आ जाएगा, सही। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब आगे आपने क्या है, इक्वल्स टू से पहले की वैल्यू में कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही हो या ना हो रही हो, आपने वहां कुछ नहीं करना, आपने उस स्टेप को एज इट इज कॉपी करना है। तो ये 1 + 3 + 5 + 2k - 1 + 2k + 1, ये एज इट इज कॉपी होगा। सॉल्व जो होगा वो इक्वल्स टू के बाद वाले सवाल स्टेप से होगा, जो इक्वल्स टू के बाद लिखा है वहां पे सॉल्व होगा। यहां पर भी सॉल्यूशन क्या होगा, जो चीजें इक्वल्स टू के बाद लिखी है वहां पर आपने सबसे पहली चीज आपने देखनी है कॉमन। जब भी इस स्टेप पे आ जाओगे आप, यहाँ पर आप सबसे पहली चीज हमेशा ढूंढोगे कि कुछ कॉमन है या नहीं। सवाल को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, इस पूरे में मुझे कुछ कॉमन नजर नहीं आया, तो मेरा कॉमन आ रहा हो तो सही है, नहीं आ रहा हो तो मसला नहीं है। इस स्टेप के बाद सेकेंड पॉइंट आपने याद रखना है, सेकेंड पॉइंट में आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अब फैक्टराइजेशन आपके ऊपर है कि आपको क्या होती हुई समझ आ रही है, किस तरह से आ रही है। फैक्टराइजेशन में मोस्टली जो होगी वो मिडिल टर्म होगी, सही। अच्छा, फैक्टराइजेशन से पहले का स्टेप भी है, पहले आपने कॉमन लेना होता है। हर सवाल में एक सेम स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को बाद में याद करते वक्त समझते हुए ईजी होगा कि ये 3 से 4 स्टेप देखने यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, सही। तो पहली चीज कॉमन देखोगे, सेकेंड पॉइंट देखोगे एलसीएम, अगर वैल्यू फ्रैक्शन की अपॉन की होगी ना तो सेकंड स्टेप में आप एलसीएम लोगे, यहाँ अपॉन की वैल्यू नहीं है तो एलसीएम भी नहीं होगा। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, तीसरे पॉइंट पे फैक्टराइजेशन करेंगे, सही। अब फैक्टराइजेशन में आपके पास मिडल टर्म, ज्यादातर सवालों में मिडल टर्म होगी और कुछ में आपके पास फॉर्मूला भी लग सकता होगा, सही। ज्यादातर सवालों में मिडिल टर्म ब्रेकिंग से आपका आंसर बनेगा। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको यहाँ पर अप्लाई करनी होगी। कभी कभी सवालों में तीनों लगेंगी, कभी कभी सवाल में दो लगेंगी, या कोई एक भी लग सकती है, सही। यहाँ पर अगर मैं इस सवाल के लिए नोट करूं, देखो कॉमन आ नहीं रहा, छोड़ दूंगा, मसलन एलसीएम हो नहीं रहा, एलसीएम क्यों नहीं होता, क्योंकि अपॉन में नहीं है इसलिए एलसीएम भी नहीं हो रहा। फैक्टराइजेशन हो रही है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग और फॉर्मूला दोनों ही लग रहे हैं इस सवाल में। तो इसमें अगर मैं देखूं तो ये देखो के का होल स्क्वायर है, 2ab, ab के शेप में, यहाँ पर के और 1 और आखिरी वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, सही है। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बंद हो गया, के प्लस 1 होल स्क्वायर। आपको सवाल में याद हो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आंसर हमें क्या लाना है, जो आंसर हमें लाना था देखो वो बन गया।
सवाल के स्टार्ट में आपको पता होता है कि क्या आंसर आपका इस सवाल में बनना है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसा नहीं है कि आपने यूँ आंसर लिख के छोड़ दिया, नहीं ऐसे नहीं लिखना, आपने ये चीज नहीं करनी। सही, आपने जो करना है वो मैं समझा रहा हूं आपको। आपने यहां लिखना है हेयर, इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन बाय द रूल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सही, तो ये आपका सवाल है, ये लाइन लिखनी भी जरूरी है। अगर ये सवाल आप इस पूरे स्टेप को प्रॉपरली फॉलो करोगे, जिसमें आपका स्टेप वन था पुट एन इज इक्वल टू वन, सेकेंड स्टेप था पुट एन इज इक्वल टू के, थर्ड स्टेप था टी एन इज इक्वल टू 2n-1, फिर थर्ड फोर्थ स्टेप आपका ये था, ये सारी चीजें करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। सही है, ये चीज मैंने समझाने के लिए लिखी थी, ये आपका रफ वर्क है। सही है, तो यहाँ तक आपका आके आंसर खत्म होता है क्वेश्चन नंबर वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पर। सही, क्वेश्चन नंबर टू में देखो दिया हुआ है, देख क्वेश्चन नंबर टू में थोड़ा नीचे से कर लेता हूँ कि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन एक साथ सामने नजर आ जाए। सही, क्वेश्चन टू की वैल्यू में देख लेता हूँ, पर पार्ट नंबर टू में दिया हुआ है 3 + 6 + 9, फिर आगे दिया 3n = 3/2n(n-1). सही, n+1। ये सवाल के स्टेप जो बता रहा हूँ ना, सही से ध्यान रखने। सही है, सबसे पहले सवाल का थोड़ा सा मैंने क्या करना है, हर सवाल के स्टार्ट में ही आपने क्या कर देना है, रफ वर्क कर लेना है। सही, रफ वर्क में आपने इक्वल्स टू के बाद की वैल्यू को लिख देना है, और यहाँ पर n की जगह k+1 रख देना है। n की जगह आपने क्या रख देना है, k+1। तो ये हो जाएगा 3/2, ऊपर n नजर आ रहा है, ब्रैकेट में k+1, यहाँ पर भी n नजर आ रहा है, k+1, आगे और एक 1 लिखा हुआ है। सही, ये हमें आंसर लाना है, ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। सही, ये हमें आंसर लाना है। कैसे लाना है देखो, सवाल सॉल्व करके मैं पूरा दिखा रहा हूँ। सही, स्टेप नंबर वन से शुरू करेंगे। स्टेप नंबर वन हमारा क्या है भाई, पुट एन इज इक्वल टू वन, हमने इक्वल्स टू से पहले की वैल्यू 3n दी हुई है, इक्वल्स टू के बाद 3/2n (n+1) दिया हुआ है, यहाँ पर हमें n की जगह 1 रखना है सॉल्व करने के लिए। सही, तो ये हो जाएगा 3 × 1, इस साइड का आंसर आ गया 3, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3/2, यहाँ पर n की जगह 1, यहाँ पर भी n की जगह 1, 3/2, 3 × 1 = 3, 1 + 1 = 2, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल्स टू के इस साइड भी 3, इस साइड भी 3, तो यहाँ पर प्रूव हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया कि पुट n इज इक्वल टू के, n की जगह आपने k रखना है, तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3 + 6, पूरा क्वेश्चन लिखना है, बस n की जगह रिप्लेसमेंट होगी किसकी, k की, तो 3n लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 3k, फिर इज इक्वल टू 3/2 k k+1। सेकेंड स्टेप भी हो गया, यहाँ भी लिखेंगे हेयर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट, इसको एक क्वेश्चन का नाम दे देंगे। तीसरे स्टेप पे जाते हैं, तीसरे स्टेप पे मैंने आपको बताया टी एन लेना है, और जो वैल्यू इक्वल्स टू से पहले दी है वो लेनी है, तो 3n, यहां पर आपने पुट n इज इक्वल टू के प्लस 1 रखना है, तो ये हो जाएगा टी के प्लस 1, 3 के साथ n मल्टीप्लाई में, इसलिए k+1 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। सही है, और एक बात दोनों सवाल में नोट करो, जो क्वेश्चन वन में और क्वेश्चन नंबर टू में, देखो क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ पर 3n लिखा हुआ है, आगे अलग से कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही यहाँ पर। सही है ना, जब नजर ना आए तो ये ब्रैकेट को ओपन नहीं करते, जैसे मैंने 3k+1 लिखा है। और क्वेश्चन नंबर वन में एक चीज आप नोट करो, तो यहाँ पर देखो बाहर -1 लिखा हुआ था ना,
जब ये माइनस वन लिखा हुआ था तो मैंने ये टू को मल्टीप्लाई किया। ये दोनों स्टेप आप याद रखना, जब बाहर यहाँ कोई वैल्यू लिखी होगी तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर बाहर कोई वैल्यू यहाँ नहीं नजर आए प्लस माइनस में ना, तो ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करोगे, सवाल को आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं करोगे। सही, इन सवालों को समझने के साथ साथ याद रखना है कि किस स्टेप से और कब क्या करना है और क्या नहीं। सही, इसलिए ये यहीं तक छोड़ देंगे। आखिरी स्टेप में हम क्या करते हैं, एड टी के प्लस वन इन इक्वेशन नंबर ए। जो इक्वेशन ए है उसमें इसको ऐड कर देना है। इक्वेशन ए ये रही मेरी, 3 + 6 + 9, 3k इज इक्वल टू 3/2 इक्वल टू, पहले ऐड करना तो पूरा लिखता हूँ, 3 k + 1। यहाँ पर भी वैल्यू ऐड कर दूंगा, मैंने ग्रीन से इसलिए लिखा आपको याद रहे कि ये चीज हमने करनी है। सही, ये हमने स्टेप नंबर 4 का स्टार्ट कर दिया। अब आगे मैंने आपको एक चीज बताई पीछे कि हमें क्या करना है। स्टेप नंबर 4 में सबसे पहली चीज कॉमन ढूंढनी होगी, सेकंड चीज हमें एलसीएम करना होगा, और थर्ड में हमें क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करनी होगी। देखो इस सवाल में क्या क्या हो रहा है इसमें देखते हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कॉमन देखते हैं, इक्वल्स टू के बाद सॉल्व करना है, इक्वल्स टू के पहले की वैल्यू एज इट इज नीचे तक कॉपी होगी जितने स्टेप यहाँ पर आप सॉल्व करोगे। कॉमन देखते हैं, देखो इस सवाल में आपको दोनों में 3 नजर आ रहा है, दोनों में k प्लस 1 नजर आ रहा है, दोनों साइड कॉमन वैल्यूज है, उसको बाहर निकाल लेंगे। तो 3 कॉमन है, k प्लस 1 कॉमन है, जो चीज कॉमन आ गई वो लिखी, करली ब्रैकेट में जो बचा हुआ है वो लिखो। 3 और k प्लस 1 कॉमन आ चुका है, हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ये 3, ये 3 कॉमन है, ये k प्लस 1 और ये k प्लस 1 कॉमन है। जो चीज कॉमन है वो बाहर आ जाएगी, जो चीज पे हाईलाइट नहीं हुआ इसका मतलब वो बच गई है। यहाँ k और 2 बचा है तो लिखूंगा k अपॉन 2 प्लस की साइन। इस तरफ से सब कुछ कॉमन आ गया है, इसलिए खाली नहीं छोड़ना, 1 लिखना है। आई बात समझ? तो ये आपका हो गया बचा हुआ। देखो पहला स्टेप कॉमन आ गया, अब सेकेंड स्टेप अपॉन में वैल्यू तो एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम भी हो रहा है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नीचे की वैल्यू में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 2 1 2, 1 k k, 2 1 2। सही है? जब आप एलसीएम ले लोगे उसके बाद वाले स्टेप में आप इस फ्रैक्शन की वैल्यू को यहाँ पर नंबर के नीचे लिखोगे, या जैसे आपको क्वेश्चन में लिख के दिया। देखो क्वेश्चन में 3/2 लिख के दिया था, तो आपने यहाँ पर भी इसको 3/2 कर देना है। ये आपको आंसर जो लाना था मैंने आपको पीछे लिखवाया था रफ्फक में। देखो आपको आंसर लाना था 3/2, वो आ चुका, k प्लस 1 लाना था वो भी आ चुका, और k प्लस 1 प्लस 1 तोड़ना है। देखो 2 दिया हुआ है ना, इसको तोड़ेंगे। देखो 3/2 लिखा, k प्लस 1 लिखा, ये k प्लस 2 दिया हुआ है। जैसे आपको आंसर बोला गया था, जिस तरह आपको आंसर रिक्वायर्ड था उस तरह लिखना कंपलसरी, वरना पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहां तक आके आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, और फिर आपने लिखना होता है कि हेयर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n by the rule of mathematical induction। So, ये लिखना जरूरी है और कंपल्सरी है, ये नहीं लिखोगे तो नहीं होगा। तो ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर था जो मैंने आपके सामने दिया। सही है? तो इस तरीके से आपने फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ करो, या जो चीज बुक में दी हुई है उसके अगेंस्ट करोगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर खराब ही जाएगा किसी भी तरह। लेकिन जो तरीकाकार है सवाल का वो फॉलो करना जरूरी है, तरीकेकार को नहीं करोगे तो आंसर नहीं आता। सही है? मतलब आंसर तो आ जाता, खैर एक बात है, लेकिन वो एग्जाम में एग्जामिनर काट देगा सवाल आप करके आओगे तो भी। सही, इसलिए बेटर है कि जो चीज सही है उसको आप सॉल्व करो और प्रॉपर फॉलो करो। आगे पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर लेते तो अच्छा रहेगा। ये मैंने बोर्ड क्लियर कर लिया अपना।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट इसका, पार्ट नंबर थ्री दिया 147, स्टार्ट से लेते हैं 147, 3n-2, n 3n-1/2। सही है, सवाल है। जैसे स्टेप मैंने बताया, सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 1, इज इक्वल से पहले की वैल्यू आपको दिए 3n-2, इज इक्वल के बाद दिए n 3n-1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1, 3 1 3-2, तो यहाँ पर आ गया 1, इज इक्वल के बाद आ जाते हैं n की जगह 1, 3 के साथ n मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ पर आप या तो मल्टीप्लाई की साइन लगाओ या ब्रैकेट आपके ऊपर है, जैसे आप चाहो। सही, तो ये हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है बार, 3 1 3-1/2, 3 में से 1 गया 2 बचा, 2/2। थोड़ा सा स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर सेम आ गया, आपने लिख दिया हेयर इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1, सही है, n is equal to 1 के लिए true हो गया। second पे आ जाते हैं, put n is equal to k+1, और put n is equal to k, पूरा question ऊपर से copy करता जाऊंगा, k लिख दूंगा n की जगह बस, 1+4+7, ऊपर सवाल में 3n था, मैं लिखूंगा 3k-2, फिर is equal to k, 3k-1/2, सही है। आपने सवाल के स्टार्ट में रफक भी करना होता है, जो मैं करना भूल गया था वो कर देते हैं रफक साइड में। सवाल मेरे को दिया n 3n-1/2, n की जगह k+1 रखना, तो यहाँ आ गया k+1, फिर 3 के साथ n मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 3 के साथ ब्रैकेट में आपने k+1 लिखना है, सही है, फिर डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से आंसर है, तो इस सवाल में थोड़ा आंसर हमें लास्ट में और सॉल्व करना पड़ेगा, जिस तरह हमें लाना है उस तरीके से। सही, हम अपने हिसाब से या अपना आधा अधूरा आंसर अगर छोड़ेंगे तो एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट होंगे इसमें। सही है, स्टेप 1 मेरा हो चुका है, स्टेप 2 हो चुका है, मुझे ये पता है कि मेरा आंसर ये आना है स्टेप 3 और 4 के बाद, तो स्टेप 3 पे बढ़ते हैं भाई। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, tn लिया जाता है, जो वैल्यू इज इक्वल से पहले दी है वो आपकी tn है। तो यहाँ पर आपने किया पुट n इज इक्वल टू k+1, ये हो जाएगा tk+1, 3 k+1-2। पिछला क्वेश्चन जिन स्टूडेंट ने मेरे साथ देखा था और जिन्होंने पिछली वीडियो लाइन से देख रहे हैं, उनको सही बात पता होगी कि इस जगह पर आपके पास बाहर माइनस में या कोई वैल्यू दी जाती है तो आपने इस ब्रैकेट को फर्दर सॉल्व करना होता है यहीं पर, और अगर ये माइनस टू ना दिया होता तो फिर मैं डायरेक्ट इसी को लेता और आगे स्टेप पे बढ़ता। सही, तो ये हो जाएगा 3k+3-2, 3k+1, सही है, ये मेरे पास आ गई वैल्यू। अब आपने क्या करना है, ऐड tk+1 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन ए, तो ये वाली इक्वेशन ए होगी, और यहां पर एक लाइन भी लिखनी होती है जो मैंने लिखनी नहीं, हेयर इट इज ट्रू फॉर n is equal to, स्टेप के मार्क्स हैं इसलिए स्टेप को ही छोड़ोगे तो मार्क्स कटेंगे। सही, ये आ गया। आगे हमने क्या करना है, इसमें इक्वल्स टू पहले इक्वल्स टू के बाद वैल्यू को ऐड करा देना, तो 1+4+7 3k-2 इज इक्वल से पहले और इज इक्वल के बाद हमें ये वैल्यू रखनी होगी। सही है, तो पहले जो क्वेश्चन है, पूरी इक्वेशन है, मैंने वो लिख देनी है पहले, तो 3k-1 इज इक्वल से उससे पहले मैंने ऐड करना है 3k+1 को, इज इक्वल के बाद भी इसी को ऐड करना है 3k+1 को। सही, दोनों तरफ मैंने वैल्यू ऐड कर दी, सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इज इक्वल के बाद का होना है। सही, और सॉल्यूशन में मैंने आपको पीछे भी बताया, सबसे पहली चीज कॉमन देखते हैं। अगर मैं बात करूं इस पूरी वैल्यू में और इस पूरी वैल्यू में, जो इस साइड पे लिखी है ब्लू और ग्रीन से,
दोनों में अगर आप देखो तो कुछ कॉमन ही नहीं है। ये 3k-1 का ब्रैकेट है, ये 3k+1 का ब्रैकेट है। सेम साइन का होता तो कॉमन ले सकते थे, अलग अलग है। जब ये अलग अलग है तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर कॉमन वाला स्टेप नहीं होता। जब कॉमन वाला स्टेप नहीं होगा तो अब आपने एलसीएम लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। एलसीएम लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, नीचे मल्टीप्लाई होगा 2 × 1 = 2। पहले नीचे की मल्टीप्लीकेशन देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड से, वैल्यू सेम आ जाएगी क्योंकि 1 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होती। 2 मल्टीप्लाई होगा दूसरी साइड पे, तो प्लस लिखा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर अभी लिख लेता हूँ, सही 3k+1। सिंप्लीफाइड करते हैं, यहाँ k मल्टीप्लाई हो रहा है 3k2, k को 1 से करेंगे, k 1 = k, यहाँ पर 2 × 3 = 6k, 2 × 1 = 2। यहाँ पर आपके पास ऊपर क्या है, 3k2, माइनस के और प्लस 6k, ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, प्लस 5k + 2। हमेशा आपने याद रखना है, जब आप एलसीएम ले लोगे उसके बाद जो वैल्यू है वो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखनी है। अब आप अपने क्वेश्चन में देखो, ये 2 आपको यहाँ पर इस तरह से लिख के दे रहा है। एग्जाम में आपको ये सवाल इस तरह भी दे सकता है, यूं भी दे सकता है, n डिवाइडेड बाई 2 3n-1, यूं भी लिख सकता है ये सवाल को। अगर वो सवाल एग्जाम में n अपॉन 2 करके लिख के देगा तो जब आप इस स्टेप में पहुंचोगे तो ये अपॉन को आप इसी तरह शुरू में लिखोगे। यहाँ पर पूरे पे दिया इसलिए इस बार आपने पूरे पे लिखना है। ये चीज सवाल के अकॉर्डिंग होगी एलसीएम लेने के बाद, जैसे आपको बनाना है। ऊपर आपके पास फिर वही कॉमन के बाद मैंने बताया एलसीएम, एलसीएम के बाद मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला या फैक्टराइजेशन वाला पार्ट होता है। यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग का रूल क्या है, पहली वैल्यू को और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके बीच की वैल्यू को आपने बनाना होता है। तो यहाँ पर 3 × 2 = 6 बन रहा है और 3 + 2 = 5 भी बनता है। तो 3k² प्लस 5 की जगह मैं रखूंगा 3k और 2k + 2। यहाँ पर मेरा 3k कॉमन आ रहा है, आगे बचेगा k+1। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा k+1, नीचे 2, सही। यहाँ पर जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग हम बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे, ब्रैकेट सेम आएगा जो आ भी गया, k+1 आ गया, आगे बचा है 3k+2। अब नजर करते हैं कि हमें आंसर क्या लाना है। ऊपर जहां मैंने लिखा था आंसर क्या लाना है, नजर करते हैं वहां पर। देखो मेरे को आंसर लाना है k+1 और 2, दो चीजें मेरे पास देखो आंसर में आ चुकी है। ये ब्रैकेट आ रहा है 3k+2 और यहां पर ये वैल्यू लिखी है 3 k+2। तो अब हमें जिस तरीके से ये वैल्यू दी है ये बनानी है। इसको बनाने की ट्रिक और तरीका क्या है वो आप समझो, अभी जो मैं समझा रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू जो चीज हमें बन चुकी है उसको नहीं छेड़ेंगे, जो बनानी है ना उसके हिसाब से देखेंगे। यहाँ 3k+2 दिया और ऊपर 3 कॉमन आया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ब्रेक करेंगे, 2 को ब्रेक करेंगे ऐसे नंबर में जो हमें रिक्वायरमेंट है। हमें यहाँ 3 कॉमन लाना है ना, इसलिए मैं 3-1 में ब्रेक करूंगा। यहाँ अगर 4 लाना होता तो 4+2 में ब्रेक करते, जैसा लाना होगा वैसा ब्रेक होगा यहाँ पर, सही है। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉमन लाना था इसलिए 2 को ब्रेक किया 3-1, क्योंकि 3 को 1 से सॉल्व करके 2 आ जाएगा, सही। तो ये हो गया k+1, 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा k+1, और 3 कॉमन सिर्फ दो चीजों में से लोगे, इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन लिया, आगे क्या बचा k+1, फिर आखिर में देखो -1 है वो लिखा, नीचे क्या 2। अब आपको जो आंसर लाना था वो यहाँ पर रिक्वायर्ड आ गया, तो फिर आप ये लिखते हो कि हेयर इट इज, पूरी जो मैंने लाइन लिखवाई थी, हेयर इट इज ट्रू फॉर n = k+1 एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। एंड बाय रूल ऑफ मैथमेटिकल डिडक्शन, ठीक है, कि कोई भी वैल्यू ऐड करें या कुछ भी करें दोनों साइड तो टर्म में फर्क नहीं आता, ये एक मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल है, सही। तो यहाँ पर आके ये वाला क्वेश्चन मेरा एंड हो गया, सही, पार्ट नंबर 3 था मेरा, सही। पार्ट नंबर 4 कराता हूँ आपको, इस पूरे को मैं मिटा देता हूँ।
पार्ट नंबर फोर। पार्ट नंबर फोर में आपको वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, 1/2 + 1/4 + 1 2n-1 2 1 - 1/2n। सही, वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप पुट n इक्वल्स टू 1, पहले स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल्स टू से पहले दिया 1/2 n-1 मतलब 1 - 1, फिर आगे 1 - 1/2 की पावर 1, यहाँ पर सॉल्व करते हैं 2 की पावर 1 - 1 0 2 की पावर हो गई, यहाँ पर 1 - 1/2। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसलिए 2 की पावर 0 1 बचेगी। सही, 1/1 करेंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ पर करते हैं, यहाँ एलसीएम हो रहा है, एलसीएम लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1/2 एलसीएम है। सही, कैलकुलेटर में आप ले लोगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों तरफ सेम आ गया, तो आपने लिखा हेयर इट इज ट्रू, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सही, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू k, सेकंड स्टेप में आपने n की जगह k पुट कर देना, 1 + 1/2 1/4 1 2k - 1 2 ( 1 - 1/2k, ये आपका सेकंड स्टेप भी हो गया। और सेकंड स्टेप में आप एक स्टेटमेंट यहां पर भी ऐड करोगे, हेयर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। सही है, सेकंड स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप पे आते हैं और आंसर को भी देख लेते हैं कि हमें आंसर क्या लाना है रफ वर्क में लिख के। सही है, रफ वर्क करते हैं आंसर के लिए। सवाल में दिया 2 ( 1 - 1/2n, हमें n की जगह k प्लस 1 लाना, तो 1 - 1/2 की पावर k + 1, ये आंसर आपने लाना है। सही है, करते हैं सॉल्यूशन, टी के प्लस 1 पे आते हैं, टी एन लेते हैं पहले, तो 1/2 n - 1, हमें n की जगह रखना है n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो टी k प्लस 1 1/2 k + 1 - 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 की पावर k। जो वैल्यू टी के प्लस 1 में आती है वो आपने इक्वेशन नंबर ए में ऐड करनी है, तो यहां लिखेंगे ऐड इक्वेशन नंबर ऐड टी के प्लस 1, यहां लिखेंगे ऐड टी के प्लस 1 इन इक्वेशन ए। सही, तो इक्वेशन ए में पर नजर आ रही है आपको बोर्ड पे, ये रही इक्वेशन ए, इक्वल्स टू से पहले मतलब यहां और इक्वल्स टू के बाद यहां, दो जगह आपने ऐड करनी है। ये हो जाएगा 1/2 k - 1 इज इक्वल टू, से पहले भी आपने क्या रखना है, ग्रीन से लिखता हूं आप लोगों को स्टेप याद रहेगा बाद में भी। सही है, 2k इज इक्वल टू के बाद भी लिखना है, तो यहां पर आ जाएगा 2 ( 1 - 1/2k, ये आ जाएगा +1/2k। सही है, ये हो गया आपके पास, तो दोनों तरफ आपने ऐड कर दिया इज इक्वल के बाद सॉल्व करेंगे। यहां पर थोड़ा सा सॉल्यूशन क्या है अलग है, यहां पर पिछले सवालों के मुकाबले एलसी डायरेक्ट कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि ब्रैकेट में दिया ना, तो पहले मैं क्या करूंगा, ये 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 1 * 2 2/2 k + 1/2 k। सही, सॉल्यूशन थोड़ा सा मैंने आपको बताया फर्क है इस सवाल में। यहाँ पर आप सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ इन दोनों को सिर्फ सॉल्व करेंगे, कितने पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये वाले पार्ट को, इस 2 को हम सॉल्यूशन में नहीं लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, नीचे की वैल्यू सेम है, जो चीज अगर नीचे सेम होती है तो ऊपर भी सेम आती है, -2 + 1, तो ये हमारा क्या आ गया 2 - 1/2 k। अब यहां पर थोड़ा एक स्टेप सेपरेट है, अलग है, स्पेशल है, थोड़ा याद रखने का, यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे। अब यहाँ 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 1 बचेगा,
यहाँ पर ऊपर टू है ही नहीं तो कॉमन कैसे ले लिया हमने ना। आपका सवाल यही है कि टू है यहाँ से तो चलो कॉमन लिया, लेकिन दूसरी तरफ भी तो होना चाहिए था जो है नहीं। ये रूल है कि अगर हम कहीं पे कॉमन लेते हैं, अगर कॉमन हो तो ले के बाहर लिखा जाता है, और अगर कहीं कॉमन ना हो तो रूल ये बोलता है कि वो चीज़ आप डिनोमिनेटर में रख दो। तो हमने टू कॉमन लिया, इसलिए हम यहाँ टू जो करेंगे वो डिनोमिनेटर में रख के करेंगे। तो ये सवाल का स्टेप है और रूल भी है, सही है? तो वन माइनस, ये इंडाइसिस के रूल्स में है, सही? तो अब क्या होगा, अगर मैं इन दोनों की वैल्यू देखूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये पावर कुछ नहीं है यहाँ पर। जब पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब जब यहाँ पर एक टू के ऊपर पावर के है वो तो एज इट इज आ गए, दूसरे टू के ऊपर पावर नहीं है इसका मतलब वन है, तो लिख देंगे के प्लस वन। तो अगर आप देखो तो यही चीज आपको आंसर में लानी थी जो आपकी यहाँ पर भी आ गई, सही है? आ गई, सेम टू सेम यहाँ पर भी आ गया जो आपको लाना था। तो ये आपका सवाल था जिसमें आपने ये चीज सॉल्व करके दिखाई। तो हेयर इट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 and for all values of n by rule of mathematical induction, सही? तो ये आपका क्या है, तरीकेकार था इस सवाल का, पार्ट नंबर 4 हमारा सॉल्व हुआ, सही है? की ट्रिक आ रही है, सवाल की प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम में एक सवाल आएगा इस सवाल से, एक्सरसाइज से। 2, 6, 18, 2 × 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n फिर माइनस 1। सवाल के स्टेप में सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 1, तो 2 + 6 + 18 2 × 3 की पावर, सॉरी यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रखना है और सिर्फ इक्वल्स टू से पहले और बाद में, तो 2 × 3 1 माइनस 1 3 की पावर 1 माइनस 1 3 की पावर 1 माइनस 1 0। पीछे वाले सवाल में हमने देखा था कि 3 की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2। 3 की पावर 1 3, 3 माइनस 1 2, दोनों साइड सेम आ गया, तो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, for n equals to 1, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि क्वेश्चन लेना है पूरा और n की जगह k plus 1 लिखना है, तो put n is equal to k सिर्फ, तो ये सॉरी n is equal to k लिखना है, k plus 1 नहीं। यहाँ से शुरू करेंगे 2 + 6 + 18 2 × 3 की पावर k minus 1 is equal to के बाद 3k minus 1, ये आपने कर लिया। रफ वर्क कर लेते हैं आंसर के लिए भी इस सवाल का, तो यहाँ पर आपको वैल्यू दिए 3n - 1, इसका मतलब 3 के ऊपर k प्लस 1 फिर अलग से माइनस 1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, सही? सेकंड स्टेप कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, थर्ड स्टेप में हमने लेना है tn, tn की वैल्यू जो इक्वल्स टू से पहले होती है वो ली जाती है, तो ये 2 × 3 की पावर n माइनस 1, यहाँ पर आपने पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1 करना है, t k प्लस 1 2 × 3 k प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 × 3, प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, बचा 2 × 3 की पावर k। ये वैल्यू को आपने दोनों साइड पे ऐड करना, तो ऐड t k प्लस 1 ऑन बोथ साइड, इक्वेशन a में, ये वाली इक्वेशन, सही? तो ये हो जाएगा 2 + 6 + 18 + 2 × 3 की पावर k माइनस 1, यहां पर भी वैल्यू ऐड हो जाएगी, क्या 2 × 3 की पावर k इज इक्वल के बाद पहले जो वैल्यू दी हुई है सवाल में पहले हम वो लिखेंगे, पहले हमें दी हुई है 3 की पावर k और फिर अलग से माइनस 1 दिया हुआ, सही है? ये लिखा, यहां पर भी हमने ऐड करना है टी के प्लस 1 को, तो प्लस 2 × 3 की पावर के। इस सवाल के सॉल्यूशन में भी थोड़ी सी ट्रिक है, क्या ट्रिक है वो याद रखनी है आपको। सवाल में जो आंसर लाने के लिए देखा था आपने सवाल से, तो आपको माइनस 1 एक अलग से वैल्यू दी है जिसमें ना के है ना कुछ है, तो इस सवाल में भी देखो ये 1 आपके पास अलग से ही आ रहा है, आपने सिर्फ ये करना है 3 की पावर के
2 × 3 की पावर के इन दोनों को साथ रख लेना, ये -1 को अलग से बाहर लिख देना है। आपने सॉल्यूशन सिर्फ इतने पार्ट में करना है, 1 को एज इट इज कॉपी करते जाना हर स्टेप के लिए, सही। क्या करेंगे, यहाँ से 3 की पावर के कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया 3 की पावर के, यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा, लिख देंगे 1। यहाँ 3 की पावर के कॉमन आ गया, कुछ नहीं बच रहा, लिख देंगे 2। तो ये हो गया 3 की पावर के, थोड़ा सा साइड कर दे तो बोर्ड आपको मुश्किल नहीं हो समझने में। ये हो गया 1 + 2 = -1। अब अगर आगे यहाँ पे देखो तो पीछे एक रूल जो मैंने अभी पीछे इंडाइसेस वाले कराया था कि देखो बेस सेम है दोनों की, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पावर के है, यहाँ पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो ये हो गया 3k + 1। अगर आप नोट करो जो आपने रफ वर्क में किया था, ये देखो ये रहा, इस पार्ट को मिटा देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। तो आपको जो आंसर लाना था वो बन गया आपका, यही आपको लाना था, ये यहाँ पर भी बन गया। जब ये बन गया तो फिर वही स्टेटमेंट हियर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बाय रूल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सही। ये आपका आंसर बन गया, क्लियर। तो यहां तक आपके आके सारी चीजें कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, बोर्ड क्लियर करूंगा पहले मैं अपना। पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1 से, यहाँ पर n ब्रैकेट n प्लस 1, फिर आगे 1/3 n + 1 n + 2। एग्जाम के लिए ये 3 सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर n की जगह 1 रखते हैं, 1 + 1 2, 2 × 1 = 2 इज इक्वल के बात करते हैं, n मल्टीप्लाई में 1, फिर 1 + 1 1 + 2, 1 × 1 = 1/3 as it is, 1 + 2 1 + 1 2 1 + 2 3, 3 से 3 कैंसिल, दोनों साइड सेम आ गया, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो नीचे नजर नहीं आया शायद आप लोगों को, तो ये लिखा मैंने ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। आगे स्टेप में n इज इक्वल टू k, तो हमें k पुट करना है क्वेश्चन में। ये रहा मेरा क्वेश्चन, 2 + 6 + 12 k k + 1, फिर आगे 1/3 k k + 1 k + 2, सही है। आंसर को भी जरा देख लेते हैं कि क्या आना है यहाँ पर, 1/3 के साथ n की जगह k + 1, तो 1/3 दिया है, तो यहाँ पर आपके पास आना क्या है, k + 1, फिर आगे n + 1 दिया, इसका मतलब आपके पास आना है k + 1 + 1, मतलब 2 आएगा, आप 1 + 1 बनाओगे, k n + 2 है, इसका मतलब k + 1 + 2, सही, ये आपका आंसर आएगा, सही। कैसे आएगा देख लेते हैं, ये आपने सेकंड स्टेप भी कर लिया। थर्ड स्टेप जो होता है वो tn होता है, इक्वल्स टू से पहले की वैल्यू लेंगे n n + 1, यहाँ पर रखेंगे पुट n इज इक्वल टू k + 1, तो ये हो जाएगा t k + 1 k + 1 k + 1 + 1, सॉल्व हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, वही सॉल्व करेंगे, बाकी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सही है। तो ये हो जाएगा k + 2, ये आ गया। आगे एड t k + 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे ऐड करेंगे अब, तो ये क्वेश्चन यहां से शुरू करेंगे, 2 + 6 + 12, उसके बाद आगे दिया k ब्रैकेट k + 1, यहां पर ऐड करेंगे किसको, ये पूरी वैल्यू को जो ऊपर हमने tk + 1 निकाली, k + 1 k + 2, जो वैल्यू इज इक्वल से पहले रखी है और इज इक्वल के बाद लास्ट में भी रखेंगे, लेकिन पहले वो 1/3 k k + 1 k + 2, इसको कॉपी करेंगे, देन उसके बाद जो बचा हुआ वो लिखेंगे ऐड करने वाला। ऐड हमने करना है क्या,
k plus 1 k plus 2, सही है? आगे बढ़ते हैं, स्टेप मैंने बताए थे वो स्टेप अब यहाँ फॉलो होंगे। इक्वल्स टू के बाद देखो सबसे पहली चीज़, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है वो लेंगे, के प्लस वन कॉमन है, के प्लस टू कॉमन है, जो चीज़ कॉमन आ गई वो ये है, के प्लस वन, के प्लस वन, के प्लस टू और के प्लस टू, सही है? बचा क्या वो लिखेंगे, तो यहाँ पर है के अपॉन थ्री, यहाँ पर कुछ नहीं बचा रहा, फिर प्लस के साइन, यहाँ पे सब कॉमन आ गया वन, के प्लस वन, के प्लस टू, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के प्लस थ्री अपॉन थ्री, सही? कॉमन लेने के बाद एलसीएम का स्टेप हो गया, उसके बाद जब भी एलसीएम लेंगे ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। देखो इस बार क्वेश्चन में वन अपॉन थ्री दिया हुआ ना, आपने इसको लिखा वन अपॉन थ्री, पहला ब्रैकेट के प्लस वन लाना था वो आ गया, अगला ब्रैकेट के प्लस वन लाना, देखो टू दिया हुआ है आपने, वन प्लस वन में ब्रेक कर दिया, उसके बाद आपको के प्लस वन प्लस टू लाना था, थ्री दिया हुआ है इसको वन प्लस टू में आंसर के रिक्वायर्ड ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर आपके आके आंसर कंप्लीट हुआ। ये स्टेप एज इट इज कॉपी होगा, हर सवाल में एग्जाम में कॉपी जरूर करना, रजिस्टर में भले आप कम कर लो लेकिन एग्जाम में अगर ये कॉपी नहीं करोगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट करेगा, सही? तो ये हर सवाल में स्टेप कॉपी करते जाओगे कंप्लीटली। यहाँ पर आपके आके हेयर इट इज ट्रू, हेयर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बाय रूल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सही है? तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ यहाँ तक, क्लियर? तो ये आपका पार्ट नंबर कौन सा था, फाइव था, पार्ट नंबर सॉरी सिक्स था ये, सही है? पार्ट नंबर सेवन पर आते हैं, पार्ट नंबर सेवन एट तकरीबन इसी तरह के हैं, तो मैं सॉल्यूशन सारे ही करा रहा हूँ कि आप लोगों को किसी में कन्फ्यूजन ना रहे, तो जैसे स्टूडेंट को जो समझना हो भले वीडियो का फॉरवर्ड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा वो पार्ट। मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लग रहा है तो लाजमी दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें। मेरे पास मेरे चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक वगैरह नहीं दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप कॉपी करके मुझे मैसेज कर सकते हो, मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो जाए, वो ग्रुप में ऐड होने की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नोट्स के पीडीएफ मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे पास हर सब्जेक्ट के बाकी जितने भी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के न्यू बुक्स के सारे नोट्स कंप्लीट हैं, इस वजह से एक्सेप्ट बायो, बायो के नोट्स मेरे पास नहीं अवेलेबल क्योंकि बायो में नहीं सब्जेक्ट पढ़ा रहा, बाकी सब्जेक्ट के नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, तो जिसको नोट्स चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे नंबर पर। क्वेश्चन पर आते हैं, पार्ट नंबर सिक्स पर, पार्ट नंबर सॉरी सिक्स तो हमने कर लिया ना, सेवन पर, तो यहां पर हमें एन इज इक्वल टू पुट एन इज इक्वल टू वन, यहाँ पर दिया 2 n स्क्वायर 2 अपॉन 3 n n प्लस 1 2n प्लस 1 ये दिया हुआ है, 1 पुट करते हैं तो 2 n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, आंसर आ गया 2, दूसरी साइड 2 अपॉन 3 n की जगह 1 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 टू वन जा टू अपॉन थ्री, वन प्लस वन टू, टू वन जा टू होगा फिर प्लस वन करेंगे तो ये थ्री आ जाएगा, सही? अच्छा यहाँ पर आपका थ्री से थ्री कट गया, टू टू जा फोर, देखो सेम नहीं आया, इसका मतलब मैंने गलती की है, मैंने गलती की थी यहाँ पर टू एन पे होल स्क्वायर था, जब होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर जो ब्रैकेट मैंने बाहर बनाया था ये यूं पूरा आएगा, टू इंटू वन तो टू वन जा टू और फिर ये टू अंदर ही रहेगा, पहले 2 अंदर 2 हो गया फिर देन स्क्वायर होगा तो ये आंसर 4 आ गया, सही है? तो गलत होगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा आपने क्या गलती की है, तो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकंड स्टेप है n इज इक्वल टू k, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहां से शुरू करोगे तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2n स्क्वायर 2 अपॉन 3 यहाँ पर n की जगह k, फिर 2k k प्लस 1 2k प्लस 1, तो ये हो गया। आगे स्टेप tn लेने का है, tn की हमारा लिया जाता है 2k का होल स्क्वायर, यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 रखेंगे
पुट एन इज इक्वल टू के प्लस वन, ये जगह टी के प्लस वन, फिर टू एन, यहाँ पर मैंने एन से लिखना इसको, के प्लस वन और बार होल स्क्वायर है। सही, इस स्टेप में याद रखना, इस सवाल के अंदर ये जो होल स्क्वायर हो या कोई ऐसा सवाल जिसमें होल स्क्वायर हो, तो इसमें होल स्क्वायर को सॉल्व यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ ये कि टू पे स्क्वायर फोर हो जाएगा, ये के प्लस वन होल स्क्वायर में ही रहेगा, इसको एक्सपेंड नहीं करना आपने। सही है, आगे स्टेप पे आ जाते हैं, ऐड टी के प्लस वन वाले पे, टी के प्लस वन को इक्वल्स टू पहले और इक्वल्स टू के बाद ऐड करना होता है, तो मैं स्टेप थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ, इक्वल्स टू के बाद वैल्यू लिख रहा हूँ। सही, अब आपको काफी समझ आ चुका है इतने सवाल करने के बाद के क्या होगा, तो थोड़ा स्टेप आपको मैं डायरेक्ट करके समझा रहा हूँ। तो ये मैंने इक्वल्स टू के बाद की वैल्यू लिखी और इसमें ऐड कर दूंगा किसको, ये 4 के प्लस 1 होल स्क्वायर को। सही, यहाँ पर कॉमन देखेंगे, अगर मैं कॉमन देखूं तो देखो ये के प्लस 1 इधर भी है और इधर भी कॉमन है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो ये जो पार्ट मैंने लाइन लगा इनमें से मेरे पास कॉमन आएगा, पूरा कॉमन नहीं आएगा लेकिन जितना कॉमन आएगा वो लिखूंगा कॉमन लेके। सही है, देखो क्या 2 कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 एक कॉमन आ रहा है, वो लिख दिया। अब बचा हुआ लिखेंगे, 2 कॉमन आ गया ऊपर k बचा और ये कॉमन आया, आपके पास बचा 2k प्लस 1। सही, डिवाइड में आपने लिख दिया 3, 2 कॉमन आया ना 4 में से, देखो हाईलाइट लिखे हुआ है, तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, इसलिए 2 टू द 4, k प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो यहां पर बचेगा सिर्फ k प्लस 1। सही है, अब कॉमन लेने के बाद एलसीएम लिया जाता है, नीचे आ जाएगा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है इसलिए इस वाले को एज इट इज 2k प्लस 1, 3 टू द 6k प्लस 1, ब्रैकेट के प्लस वन, यहां पर हो जाएगा टू के स्क्वायर, के वन द के, सिक्स के, सिक्स वन द सिक्स, टू ब्रैकेट के प्लस वन, तो टू के स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो सेवन के प्लस सिक्स, टू ब्रैकेट के प्लस वन, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है। सही है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग में फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू को सिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा रफ वर्क में, टू सिक्स जा ट्वेल्व, हमें सेवन बनाना है तो सेवन आपका बनता है फोर, थ्री जा ट्वेल्व बनता है, फोर प्लस थ्री आपका सेवन बनेगा। सही, आपने क्या कर दिया, ऊपर लिखा टू के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस थ्री के प्लस 6 अपॉन 3, यहां पर एज इट इज आएगा। और जब मैंने बताया एलसीएम ले लेंगे रिक्वायर्ड, जैसे आपको सवाल में बोला वैसे लिख दो, तो 2 अपॉन 3 सवाल में लिख के दिया था आपने, एस वैसे लिखना है और इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, इसमें से 2 के कॉमन आ रहा है, यहां बच रहा है के प्लस 2, इन दोनों में 3 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 3 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा के प्लस 2, तो यहां से यहां तक एक कर ली ब्रैकेट, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट का आया बाहर। सही, आगे 2 अपॉन 3 के प्लस 1, यहां पर सेम ब्रैकेट है के प्लस 2 का, वो लिखा, बाकी है 2 के प्लस 3, आपको जो आंसर बनाना है उसमें 2 अपॉन 3 दिया हुआ था वो आ गया, के प्लस 1 बोला था वो आ गया, के प्लस 2 की जगह आ जाएगा के प्लस 1 प्लस 1, आगे यहां पर 2k, ये जो 3 है यहाँ पर 2 दिया है, तो इस 3 को ब्रेक करेंगे 2 प्लस 1 में, मैंने पीछे भी सवाल आया था वहां बताया था, यहाँ जो नंबर होता है जो आपने कॉमन लेना हो तो उसके हिसाब से ब्रेक करते हैं, यहाँ 3 था पहले 3 ब्रेक किया, 2 था तो अब 2 ब्रेक किया, ब्रेक भी ऐसे करना है कि जो आपके पास ऊपर की वैल्यू है वो ब्रेक करने के बाद नंबर से यही बने, जैसे 2 और 1 में मैंने ब्रेक किया तो ऊपर 3 ही बनना है ना, ऐसा नहीं है कि 2 और 2 रख दो ऊपर 3 दिया नीचे 4 बनेगा, नहीं ऐसा नहीं करना आपने। सही, 2 अपॉन 3 के प्लस 1, के प्लस 1 प्लस 1, उसके आगे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा के प्लस 1, फिर आगे प्लस वन, ये आपको रिक्वायर्ड आंसर लाना था इस सवाल में जो आपका कंप्लीट होके यहाँ पर आया। सही, यहाँ
ये तो पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे और ये आपका आंसर कहलाएगा। क्लियर। लास्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 8 पे। बोर्ड क्लियर कर लेता हूं मैं, फिर सॉल्व करते हैं। सही, थोड़ा सा इसको बड़ा करूँ, छोटा नजर आ रहा है। स्टेप शुरू करते हैं भाई, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट स्टेप 3 से करवा रहा हूँ। सही, बाकी स्टेप 1 2 आप खुद ही इस पे प्रैक्टिस कर लोगे। तो Tn लिया जाता है n ब्रैकेट n प्लस 2, यहाँ पर करेंगे पुट, n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो ये आ जाएगा k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 3, ये हो गया, ये हमारा आ गया टी के प्लस 1। इसको हमने ऐड करना है इक्वल्स से पहले और इक्वल्स टू के बाद, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू के बाद में हमारे पर वैल्यू दी ना 1/6 से दिए, तो 1/6 के के प्लस 1 टू के प्लस 7, यहाँ पर ऐड करेंगे वैल्यू को, तो वैल्यू एडेड के प्लस 1 और के प्लस 3, थोड़ा सा वो हो जाएगा इसलिए मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आया तो मुश्किल होगी ना, तो ये हो जाएगा के प्लस 1 और के प्लस 3। अब सॉल्व करते हैं इसको, वही स्टेप जैसे मैंने आपको बताया कॉमन वाला स्टेप। सबसे पहले कॉमन आ रहा है के प्लस 1, वो आपने ले लिया, यहाँ पर आपके पास 1 के जा के बचा अपॉन 6, के प्लस 1 कॉमन आ गया ये दोनों तरफ से। सही है, जो बची वैल्यू वो लिखेंगे क्या है 2k प्लस 7, फिर यहाँ k प्लस 1 कॉमन आ गया, आगे बचेगा k प्लस 3। एलसीएम लेने के, वो कॉमन लेने के बाद एलसीएम वाला स्टेप होता है। सही, नीचे आ गया 6, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इसको, तो k 2k प्लस 7, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस 6, 3 जा 18, k प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6k प्लस 18, ये 6 आपने शुरू में लिख दिया, या आपको जैसे सवाल में लिख के दिया, जो बार बार समझा रहा हूँ कि जैसे सवाल में लिखा है वैसे लिख दो। सवाल में 1/6 लिखा है तो एलसीएम के बाद फिर इसको इस तरह लिखोगे, तो 1/6 के प्लस 1, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया 2k स्क्वायर, 7 प्लस 6 हमारा होता है 13k प्लस 18। अब यहाँ पर आके आपने मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी है, और इस तरह के जिसमें आपके पास प्लस माइनस करके 13 आया और मल्टीप्लाई करके 218 जा 36 आता है, रफ करूँ तो 218 जा 36 आता है, 36 के फैक्टर बनाने जिससे 13 बने, तो 2 के टेबल में आता है 218 जा, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, 3 के टेबल में आता है 3 10 जा 30, 3 12 जा 36, इससे नहीं बन रहा, 4 के टेबल में आता है 4 9 जा 36, देखो इससे 13 बन रहा है, तो मैंने क्या किया पर 1/6 के प्लस 1 टू के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 9k प्लस 18, ये आ जाएगा 1/6 के प्लस 1, 2 कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, तो बचेगा अंदर क्या k प्लस 2, यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा k प्लस 2, ये आ गया 1/6 k प्लस 1, फिर सेम ब्रैकेट आया k प्लस 2 वो लिख दिया, सेकेंड एक और आया 2k प्लस 9। आंसर जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप बनाओगे, ये आ गया k प्लस 1 k प्लस 2, यहाँ पर आपके पास 2k 9 है, 9 को इस तरह ब्रेक करना है कि यहाँ वाला नंबर 1 बने, तो ये बन गया 2, बाकी बचा हुआ नंबर क्या हो गया 7, ये वो खुद नंबर बन जाएगा जो आपको देखो सवाल में लाना है, 2n प्लस 1 लाना था, 2k प्लस 1 और 7 ये लाना था, देखो कॉमन लेने के बाद जो बनाना है वो बन गया आपका, 1/6 k प्लस 1 k प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया k प्लस 1 प्लस 7, तो ये आपका आंसर है। आंसर नहीं लिखते, जो मैंने आपको लाइन स्टेटमेंट बताई आपने वो लिखनी है यहाँ पर। सही, जस्ट बात हो कि आंसर नहीं लिखा जाता इसमें, तो यहाँ तक आके आके क्वेश्चन नंबर 1-8 के 2 वीडियोस में मैंने कवर करा दिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सॉल्व करेंगे। सही, तो अब मुझे इजाजत दें, मैं मोहम्मद सलमान आपसे लाफिज लेता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, फॉरवर्ड भी करें, अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी जरूर बताएं।